Assalamualaikum, मैं हूँ आपका सहेली और होस्ट मिस निकाब और माय ब्लॉग फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं स्क्रीनशॉट वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अगर आप देखते हैं आपको ये ख्याल आता है कि मैं पर्दे के पीछे सामने इतनी देर थी तो अचानक पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हूँ, तो ये है, ये हूँ मैं। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे देख सकते हैं। ओके, तो आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं जिसको रोस्ट करने जा रही हूँ वो एक वीडियो की वजह से रोस्ट करने जा रही हूँ, जो एक लाइव वीडियो है। मैं फिर से आलमास जैकब को रोस्ट करने जा रही हूँ और इस बार आलमास जैकब को एक वीडियो की वजह से रोस्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है आलमास जैकब लाइव न्यूज बादशाह इज हाइडिंग समथिंग शी मूवी विट लाइक इल्यूमिनाटी एक्सपोज। चलिए शुरू करते हैं उनकी चलिए शुरू करते हैं आलमास जैकब वीडियो में क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। वेलकम टू आलमास जैकब लाइव न्यूज़, मैं आलमास जैकब और आप देख रहे हैं बादशाह इज हाइडिंग समथिंग शी मूवी लाइक, जो इसका सॉन्ग है उसमें काफी सिंबलिज्म है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप रेडी हैं इस वीडियो के लिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बादशाह दोस्तों एक रैपर है जो कि पंजाबी रैपर है, रैप स्टार है इंडिया का, जो कि बॉलीवुड में काफ़ी जाना माना है और इसने अपनी जगह काफ़ी बनाई है, काफ़ी हिट सॉन्ग इसने बॉलीवुड को दिए हैं। और यहाँ पर बताता चला जाऊँ आपको इसके सॉन्ग के बारे में जो कि शी मूव इट लाइक है। इस वीडियो के एंड में आपको एक सरप्राइज मैं आपको देने वाला हूँ जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि बॉलीवुड के अंदर कोई ऐसा काम कर सकता है। ये हॉलीवुड के अंदर काफ़ी लोगों ने ऐसे काम किए हुए हैं जिनको हम लोग अक्सर एक्सपोज करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि जी फलां जो है वो इल्यूमिनाटी को प्रमोट कर रहा है, फलां इल्यूमिनाटी को प्रमोट कर रहा है, फलां जो है वो फ्री मेसनरी को प्रमोट कर रहा है, और क्या चीज़ें वो दिखा रहे हैं वो मैं अक्सर आपको वीडियो से बताता रहता हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको खास एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि वीडियो के एंड में होगी, तो आपने मेक श्योर कि आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ बादशाह क्यों इतनी तेज़ी से फेमस होता जा रहा है और अब इसने काफ़ी जगह अपनी जो है वो बॉलीवुड के अंदर बना ली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों इसका जो गाना है शी मूव इट लाइक, हम इसी पर ज़्यादा रहेंगे और इससे हटकर हम कोई बात नहीं करेंगे। तो इसमें काफ़ी सिम्बलिज्म यूज़ किए गए हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला सिंबल जो है वो आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल सामने है, आप देखिए बादशाह ने अपने दोनों हाथों से डेविल होर्न्स बनाए हैं जो कि कुछ ही सेकंड के लिए, लाइक एक सेकंड के लिए आपको दिखाई देता है, फ्लैश करता है और फिर हाथ सीधे कर लेता है। तो यही ये लोग करते हैं हमेशा, ये जो सिंबल्स होते हैं ये साइंस और सिंबल्स ये कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ते हैं ताकि आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की जा सके, और ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए जो चीज़ें आती हैं वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है उसको स्टोर करता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि वो एनालाइज करता है, लॉजिकली देखता है और चीज़ों को इमोशनली जो है वो उसके साथ अटैच करके उसको फील करता है। हमारा दिमाग जो कि कॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है वो इतनी सोच और विचार नहीं करता, वो हर चीज़ को स्टोर करता जाता है, अपने अंदर बढ़ाता जाता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि अक्सर बेदहाने में भी आपसे यही हैंड साइन बन जाते हैं, अक्सर आपसे ये हैंड साइंस बनते होंगे, जैसा हैंड साइन इसने बनाया हुआ है इसको लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये डबल होर्न्स हैं, और जो कि हैं ये डबल होर्न्स, लेकिन कुछ लोग इसको रॉक का साइन बोलते हैं कि जी म्यूज़िक के अंदर, म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर इसको रॉक एंड रोल का साइन समझा जाता है, क्योंकि जितने भी हार्ड कोर रॉक बैंड्स हैं उन सब में आपने ये हैंड साइन जरूर देखा होगा, वो सारा शैतानियत से लिंक होता है, वो मैं आपको
फिर किसी वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसे, और उसकी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। मार्लिन मैनसन के एक हार्ड कोर रॉक स्टार है, आप उसको देख सकते हैं और काफी सेटनिज्म को प्रमोट करता है। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं तो आप वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपको रेनबो कलर्स देखने को मिलेंगे। रेनबो कलर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेनबो कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं LGBT को, जो कि उनका झंडा है, और वो ही यहाँ पर से हमें झंडा जो है वो दिखाई देता है। और यहाँ पर मरीना हुसैन जो है वो इस वीडियो के अंदर इसके साथ काम कर रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट सीन में फिर से पीछे जो है वही कलर्स आ गई है, वही कलर स्कीम है जो कि शो करती है LGBT को। LGBT को सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि ये सारा प्रोग्राम जो है पीछे से इसको कहना चाहिए कि इसको पीछे से जो है वो करने वाले हैं लोग जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। और आपको मैंने कल जो वीडियो बना के बताई थी, मैंने आपको बताया था कि इसराइल फ्लाओ जो है उसको निकाल दिया गया है रग्बी खेलने से, इसलिए निकाल दिया गया है। हालांकि वो वहाँ का बेस्ट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, फिर भी उसको निकाल दिया गया है क्योंकि उसने ऐसी एक पोस्ट की थी जिसमें उसने LGBTs को होमोसेक्सुअल्स जो है उनको टारगेट किया था। उसने कहा था कि अगर तुम नहीं रिपेंट करोगे, अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम स्ट्रेट वे में जाओगे। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों वही कलर स्कीम वाले पीछे नजर आती है और अपसाइड डाउन किया गया है। ऊपर स्क्रीन है जो कि सेम यही नीचे वाली स्क्रीन है, लेकिन ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे एज अबव और सो बिलो हो। अब ये बेस्ट पार्ट के हैंड साइंस है जो कि ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, और उसको कहते हैं ओके। तो यहाँ पे आलमास जैकब को कहना है कि यहाँ पे बादशाह जो काफी कुछ सिंबल दिखा रहे हैं, यहाँ पे डेविल हॉर्न सिंबल दिखा रहे हैं। तो बादशाह की गाने में रेनबो सिंबल जाएगी जो कि रेनबो जो होमोसेक्सुअल है, ये आलमास जैकब को कहना है। और यहाँ के उल्टा पेंटाग्राम बने हुए हैं। चलिए देखते हैं जब उल्टा पेंटाग्राम के बारे में तो कहा ही गया है, तो चलिए देखते हैं कलाम मुकद्दस यानी कि होली बाइबल में क्या लिखा है। ये है होली बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट की जेनेसिस किताब चैप्टर नंबर 9। यहाँ पे जो पहले पार्ट पैराग्राफ लिखा गया है गॉड्स कोवेनेंट विथ नोआ।
यानी कि गॉड्स को नोहा के साथ जो चुकती हुई है वो बात बतानी है। ओके, तो यहाँ के आयत नंबर 12 से आयत नंबर 16 तक क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। एंड गॉड सेड दिस इज द साइन ऑफ द कोवेनेंट आई एम मेकिंग बिटवीन मी एंड यू एंड एवरी लिविंग क्रिएचर विथ यू, ए कोवेनेंट फॉर ऑल जेनरेशन टू कम्स। आई हैव सेट माई रेनबो इन द क्लाउड एंड इट विल बी द साइन ऑफ द कोवेनेंट बिटवीन मी एंड द अर्थ। Whenever I bring cloud over the earth and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant between me and you and all living creature of every kind. Never again will the water become flood to destroy all life. Whenever the rainbow appears in the cloud, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all creature of every kind on the earth. ओके, तो यहाँ पे क्या साफ लिखा है, खुदा कह रहा है कि मैं खुदा कह रहा है मेरी और तुम्हारे साथ दुनिया की सारी जीवों के साथ चुकती बना रहा हूँ, उनकी एक सिंबल ले रहा हूँ। तो हर नस्ल के जो आने वाले हैं उनके लिए भी ये चुकती बहाल रहेगा। इसलिए मैं बादल में रेनबो सेट कर रहा हूँ और यही होगी तुम्हारे और मेरी और सारे दुनिया की बीच जो चुकती हुई है उसकी निशानी है। जब भी मैं बादल धरती के बादल में रेनबो लेकर आता हूँ, मैं मेरी और तुम्हारी और सारे जंतुओं जैसे क्रिएचरों के बीच जो चुप्पी को मैं याद रखता हूँ। मैं रेन वाटर से कभी सारे जंतुओं को नष्ट नहीं करूँगा। हाँ, जब भी मैं बादलों में रेनबो लेकर आता हूँ, मैं हमेशा खुदा और धरती के सारे जीव किस्म की जीवों के साथ जो हमेशा की चुकती है उनको देखता हूँ और याद रखता हूँ। इसका मतलब है कि जेनेसिस किताब के चैप्टर नंबर 9 में ही कहा गया है कि रेनबो दरअसल रेनबो इन धरती के जीव और खुदा के बीच जो चुकती हुई है उनके निशानी है। अब देखो, रिवोल्यूशन ओके हाँ खुद ही देख लो रिवोल्यूशन में क्या लिखा है। बाइबल द होली बाइबल की नए टेस्टामेंट की रिवोल्यूशन किताब 10
चैप्टर में पहले वर्स में ये लिखा है, देन आई सॉ अनदर माइटी एंजल कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन, ही वॉज रोब्ड इन द क्लाउड विथ रेनबो अबव हिज हेड, हिज फेस वॉज लाइक द सन, हिज लेग वर लाइक फेरी पिलर्स। यानी कि मैं एक फरिश्ता को, ताकतवर फरिश्ता को आसमानों से आते हुए देख रहा हूँ, बादल में थ्रो आए हुए हैं, उनके सर के आसपास रेनबो है, उनकी सूरत सूरज की तरह है, और उनकी जो पैर है वो दमदार पिलर की तरह है। यानी कि रेनबो जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे खुद ही रेनबो के बारे में बात कर रहे हैं, और आलमा जैकब को ये कहना है कि आजकल जो रेनबो यूज़ हो रही है वो होमोसेक्सुअल की निशानी है। लेकिन हकीकत में रेनबो के बारे में कलम मुकद्दस यानी कि द होली बाइबल में क्या लिखा है, इसके बारे में कुछ बात हो ही नहीं रही। चलिए देखते हैं, अगर रेनबो के को फ्लैग बनाकर होमोसेक्सुअल की निशानी बारे में बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे कारनामों हैं, फ्लैग है जिनकी निशान है कुछ और फ्लैग है कुछ और की। हाँ, यहाँ पे इंग्लैंड के जो फ्लैग जो देख रहे हैं वो है इंग्लैंड की फ्लैग है। तो इंग्लैंड के फ्लैग में जो दिखा गया है वो है रेड क्रॉस। ओस ओस इंग्लैंड में जब मैग्ना कार्टा हुए थे तब से इंग्लैंड बन रहे थे, और ये रेड हॉर्स के क्रॉस के वाले जो इंग्लैंड के झंडे हैं वो वहीं से आरंभ हुई थी। आज इंग्लैंड में 80% क्रिश्चियन है और 90% जो है वो मुसलमान है, और 1% तीसरे धर्म के हुए। तो लेकिन यहाँ पे जो निशानी है वो क्रिश्चियनिटी का ही निशानी है। आप देखिए ये झंडे को नाइट टेंपल को कहा जाता है। ये झंडे नॉर्थ के हिस्से, साउथ के हिस्से, लेफ्ट के हिस्से और राइट के वही हिस्से काटकर इंग्लैंड के झंडे जो है वो दिखाई दे रही है। नाइट टेंपल मैं आपको बता दूं, नाइट टेंपल ऐसे एक किस्म के लोग होते हैं जो एक टाइप के क्रूसेडर है, और वो खुदा के जो मंदिर है उसको रक्षा करने वाले होते हैं। और आप अगर आलमस जैकब को देख रहे हैं तो का और मेरी वीडियो जो अगर आप देख चुके हैं जो आलमस जैकब को शाहरुख खान के वजह से रोस्ट की गई है तो वहाँ पे यही सिंबल को आयरन क्रॉस कहा जाता है, जबकि ये नाइट टेंपल वाले क्रॉस है। अब ये देखो,
ये झंडे जो है एक इजराइली का झंडा है, और इजराइल है, इजराइल में एक यहूदी मुल्क है, इजरो है, लेकिन इजराइल यहूदी मुल्क होने के बावजूद यहाँ के नॉन यहूदी लोगों के लिए इजराइल एक महफूज जगह बन चुकी है। तो इसी इसराइलों के बेतलहम में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, और इसी इसराइल के जेरूसलम में क्रूसीफाइड हुए थे जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट की रिजरेक्शन भी इसी इसराइल में ही हुए थे। तो आप देख ही रहे, जब देख ही रहे तो यहाँ पे स्टार ऑफ डेविड के बारे में बात हुई है, लेकिन स्टार ऑफ डेविड तो यहूदियों का चिन्ह है। इन स्टार ऑफ डेविड को अगर सीरियसली ले तो इसराइल में मुसलमान ना हो ही ना, लेकिन अब अगर चेक इसराइल के बारे में जो जान इंटरनेट में सर्च करती है तो देखते हैं कि इसराइल के झंडे में जो है इसे यहूदियों का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ इसराइलियों का देश में 60 लाख इसराइली यहूदी हैं, और 40 लाख लोग अरबियन हैं, जिनमें मुसलमान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये लोग अपनी झंडे इसलिए रखते हैं ताकि अपनी झंडे का लोग जिस निशानों का झंडे रखते हैं तो ये को मतलब ये कबूल करते हैं, उसी निशानों को यकीन करने वाले लोग ही इस मुल्क को आज़ादी दी है। क्या अब यहाँ पे शैतानिज्म की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे शैतानिज्म यहाँ पे आमस जैकब दिखा रहा है कि उल्टी पेंडाग्राम है, और उल्टी पेंडाग्राम में शैतानों की निशानी है। ठीक है, मैं कबूल करती हूँ कि उल्टी निशानी शैतानियों की झंडे को ही निशाना दे रहे हैं। कबूल करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आप ये देखो, ये है आलमस जैकब की मुल्क की झंडे, यानी कि पाकिस्तान की झंडे। यहाँ में पे जो क्लियर दिखाई दे रहा है कि उल्टी पेंटाग्राम के स्टार बने हुए हैं, उल्टी पेंटाग्राम के यहाँ पे चांद दिखाई दे रही है जो इस्लाम की निशानी है। हाँ चलिए मानते हैं ये निशानी काफी अच्छी लग रही है, लेकिन गौर करने वाली बात कि इन निशानों के बीच उल्टी पेंटाग्राम के झंडे तारे सितारे हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुस्लिमों के झंडे पे उल्टी पेंटाग्राम की सितारे क्यों हैं, जबकि उल्टी पेंटाग्राम के सितारे जो है वो शैतानिज्म की निशानी है।
ठीक है, वापस मैं जाती हूँ। हाँ, यहाँ पे शैटनिज्म की जो बात हो रही है तो देखते हैं शैटनिज्म को के बारे में हम क्या सोचते हैं। हमारा जो मुल्क है कोई भी शैटनिज्म को फॉलो नहीं करते, सारे लोग जो लोग होते हैं वो शैटनिज्म के खिलाफ जाते हैं। तो है, लेकिन ये लोग शैतानिज्म को प्रमोट करने के लिए तुले हुए हैं। और शैतानिज्म कुछ लोग हैं जो सैटनिस्ट हैं और शैतानिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। जब उसे इसलिए जब उस उन सैटनिस्ट को ऐसे प्लेटफॉर्म में बुलाया गया है जहाँ पे मकसद ये होते हैं कि सैटनिज्म के उसे कैसे दूर रहा जा सके। तो आप एंटर लेवल के जो बातें जो हो रही है, जिस शैटनिज्म कुछ निशाना थे जो सैटनिज्म की कहा जाता है अल्बन लेटन के जवानों से, लेकिन दरअसल वो शैटनिज्म का होती ही नहीं है। क्योंकि आप शैटनिज्म से तो दूर रहना है तो एल्बन लेटो उन ऐसे निशानात के बारे में बात करिए जैसे कि हम शैटनिज्म से दूर रहने के झांसे में के आकर शैटनिज्म को ही प्रमोट करना शुरू कर दें। यहाँ पे जो दिखाई दे रही है जो शैटनिज्म बादशाह डेविल हॉर्न बना रहा है, मैं आपको एक पेप्सी की एड को में लेके जा रही हूँ। ओ सॉरी, आपके पास अगर टीवी है तो आप खुद या फिर इंटरनेट है आप खुद पेप्सी की एड में देख सकते हैं जहाँ पे पेप्सी जहाँ पे पेप्सी के ऐसे ऐसे ही निशान आते हैं। तो ये कहते हैं कि ये एक स्वैक है। ठीक है, तो आलमास बादशाह वहाँ पे स्वैक दिखा रहा है, डेविल हॉर्न नहीं बना रहे हैं। ठीक है, मैं आलमास जैकब को पूछना चाहती हूँ। आलमास जैकब, आप इल्यूमिनाटी एक्सपोजिंग के बारे में काफी अच्छे काम बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़, आप उसी निशान को शैतानिज्म की निशान कहते हैं जो है ही नहीं, जबकि उल्टी पेंटाग्राम के निशान को सैटनिज्म निशान कहते हैं। तो ये चलिए मान लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के झंडे पे या ये ही निशान क्या कर रहे हैं। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, बी हम्बल and reform yourself. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Aur ha, my viewers, agle jo video aa rahi hai wo koi roasting video nahi balki assassination day ke bare mein वीडियो आएगी, आप देखते रहें ना। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।